ओम शांति। साक्षी अवस्था अर्थात न्यारा होकर हरेक के पार्ट को देखना, शरीर से न्यारे होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराते स्वयं को इस ड्रामा में पार्टधारी समझकर पार्ट बजाना, साक्षी दृष्टा बन अर्थात डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन अपने वासर्व आत्माओं के पार्ट को देखना, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, जो सीन सामने आ रहा है, जो भी परिस्थितियां सामने आ रही है, उन्हें डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर न्यारा होकर देखना। जो आत्मा सदा साक्षी दृष्टा बन किसी भी बात में मन बुद्धि द्वारा इन्वॉल्व ना होकर डिटैच रहता है, वो सदा अविचलित रहता है, सभी परिस्थितियों में निडर होकर स्थिर रहता है, अचल रहता है। तो आओ चले साक्षी अवस्था का अभ्यास करें। मस्तक पर चमकते अपने स्वस्वरूप को देखें। मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति कण हूं। अविनाशी आत्मा हूं। मैं आत्मा देह से न्यारा हूं। मैं आत्मा साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराता हूं। मैं आत्मा जब चाहे शरीर का आधार लेकर कर्म करता हूं, जब चाहे अशरीरी हो जाता हूं। अब साक्षी दृष्टा बन, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन, इस ड्रामा में अपने पार्ट को देखे। हर एक आत्मा के पार्ट को देखे। मैं आत्मा इस ड्रामा में विशेष पार्टधारी हूं। सभी आत्माएं भी अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। सभी के पार्ट को देखते हुए मैं सबसे न्यारा हूं। सबसे न्यारा रहकर मैं सबके साथ कर्म संबंध में आता हूं। कर्म बंधन से मुक्त रहता हूं। मैं सबसे न्यारा सबका प्यारा हूं। बाबा का प्यारा हूं। साक्षी अवस्था में स्थित रहने से
सर्वसमर्थ बाबा के साथ का अनुभव। मैं सर्वसमर्थ बाबा का समर्थ बच्चा हूं। मैं बाप समान निडर हूं। मैं साक्षी दृष्टा हूं। सर्वसमर्थ बाबा मेरे साथ है। इसी स्मृति से मुझ आत्मा में समर्थी आ गई है। जिसके पास समर्थी है उसकी स्वस्थिति को कोई भी परिस्थिति डगमग कर नहीं सकती। साक्षी अवस्था में स्थित मैं समर्थ आत्मा हूं। मैं निडर हूं। कैसी भी परिस्थिति सामने आए मैं अचल अडोल हूं। साक्षी अवस्था में स्थित मुझ आत्मा को जीवन में आने वाली हर परीक्षा एक खेल अनुभव होती है। कोई भी समस्या मुझे मनोरंजन का खेल अनुभव होती है। पहाड़ जैसी बड़ी समस्या भी मुझे राई के समान छोटी अनुभव होती है। तूफान मेरे लिए ड्रामा का एक तोहफा है। संस्कारों का टकराव मेरे लिए आगे बढ़ने का आधार है। मैं ड्रामा की हर सीन को साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित होकर देख रहा हूं। ड्रामा के हर दृश्य का मजा ले रहा हूं। ड्रामा का कोई भी सीन देखते हुए सदा यही अनुभव कि जैसे अनेक बार देखी हुई सीन मैं फिर से देख रहा हूं। ड्रामा का ये हार जीत का खेल है। कैसा भी दृश्य सामने आए, कैसी भी परिस्थिति सामने आए, मैं कभी भी डगमग हो नहीं सकता। मैं बाप समान निडर बनकर एक रस स्थिति में स्थित हूं। मैं
अव्यक्त फरिश्ता हूं। मैं उड़ती कला में उड़ने वाला फरिश्ता हूं। देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, फरिश्ता बन साक्षी होकर ऊपर से सभी के पार्ट को देखे। सभी आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश दे। देह, संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल से परे, मैं फरिश्ता हूं। अनुभव करे मैं आत्मा फरिश्ता बन ऊंची साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहकर निडर होकर विनाश लीला का विकराल रूप देख रहा हूं। सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति की किरणें दे रहा हूं। सबके मन की हलचल को शांत कर रहा हूं। सबको भय और चिंताओं से मुक्त कर रहा हूं। सभी को परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। ओम शांति।